हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. यू ऑल वेलकम टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंजल लाइव क्लासेस इंडिविजुअल इंग्लिश प्रैक्टिस बैच ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब लोग? रंजीत, कविता, शैलेंद्र, दीपक, अभिषेक, गोविंद, सत्यनारायण, ऋषि, अनंतलाल, मैं खूब अच्छा हूँ. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ा था. पैसेज तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ना. सेट नंबर 38 का जो पैसेज था, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा. सबसे लास्ट में एक पैसेज था. पैसेज पढ़े थे या पढ़ाना पड़ेगा? टेल मी प्लीज. अगर पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पढ़ाता हूं. नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, फिर मैंने पैसेज सेट नंबर 39 पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सेंड किया था. चलिए देखिए, वर्ड है हम लोगों का सबसे पहला. आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस. साइनो आपको बताना है और साइनो हमारा है वैनियल. ठीक है, ये वैनियल मिला ना पेपर. जल्दी से आप सब लोग एक बार कमेंट तो किया करो ब्रदर. टेल मी प्लीज, मैं शुरू करूं ना क्लास. क्लास शुरू करूं ना, पेपर ओपन हो गया. पीडीएफ मैंने कल ही आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दिया था, इन सभी पेपर का एक साथ. ठीक है, देखिए वैनियल होता है क्षम्य, जिसे आप माफ कर सकते हो. ये कहते हैं क्षम्य. इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे वैनियल, एक्सक्यूजेबल, पार्डनेबल, एमिस, रेमिट,
जिसे आप माफ कर सकते हैं। शुरू वाला भीम सर, अभी आप इधर से आप नोट करिए, शुरू वाला मिल जाएगा, शुरू वाला पीडीएफ नितिन भेज दीजिएगा सभी बच्चों को। बिनायल, ठीक है, और इसी को फॉरगिव से बोलेंगे, फॉरगिवेबल, जिसे आप माफ कर सकिए, जिसे आप माफ कर सकिए। थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है एमेंसिटी, यह होता है सर्वक्षमा। सर्वक्षमा, एमेंसिटी का प्रयोग केवल दो ही लोगों के लिए होता है, या तो राष्ट्रपति या तो राज्यपाल, और एक होता है पर्डन, इट इज ऑफन यूज्ड बाय, इट इज ऑफन यूज्ड इन ऑफिशियल मैनर, या ऑफिशियल मैनर होता है। और जो फॉरगिव होता है, इट इज यूज्ड इन जनरल मैनर, जनरल मैनर। फॉरगिव और पर्डन और एमेंसिटी, इन दोनों के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, दोनों अपने आप में कहलाते हैं, दोनों का मतलब होता है क्षमा, ठीक है ना। एमनेस्टी तो ए एम एन ई एस टी वाई, ओ स्पेलिंग मैंने उल्टा कर दिया, ई एन, ई एन नहीं एन ई है, मैंने उल्टा लिख दिया था, ए एम एन ई एस टी वाई, पर्डन और फॉरगिव। तो एमनेस्टी होता है सर्व क्षमा, ठीक है, और जो पर्डन होता है, ये सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा इस वर्ड का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इस वर्ड का हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं ऑफिशियल सेंस में, जब किसी चीज को ऑफिशियल होता है, और फॉरगिव का जो प्रयोग करते हैं ये जनरल मैनर में। मान लीजिए कि आपको अपने बॉस से अचानक से माफ करिएगा, आज थोड़ा लेट हुआ, कल से लेट नहीं होऊंगा, तो वो सब पर्डन की बात होती है, ठीक है। गलती आप एक्सेप्ट करते हैं, हाँ गलती हुई, जैसे आप एक बार कहते हैं सर हाँ मैं रजिस्टर लिख रहा था, सर गलत हो गया है, नेक्स्ट टाइम इस गलती को ध्यान दूंगा और ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो ये सब पर्डन है। फॉरगिव एक सिंपल सा वर्ड है। हेलो गाइज, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने चल रहा हूँ, इसमें जो गलती होगी आप लोग माफ करिएगा, तो दैट इज ओनली अ जनरल वर्ड, तो हियर यू विल हैव टू यूज फॉरगिव। ओके, चलिए, तो अगर आप देखेंगे इसमें तो आपके पास करप्ट, भ्रष्ट, सुपरफिशियल, छिछला, पर्डनेबल आंसर होगा रिस्पेक्टेड, सम्मानित। चूज द वर्ड अपोजिट, डिफिडेंट होता है आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी। डिफिडेंट का अपोजिट होगा कॉन्फिडेंट। साई होता है शर्मीला या शर्मीली। ब्रेव होगा बहादुर, ब्रेव होगा बहादुर। मीक होता है दब्बू या कमजोर, दब्बू या कमजोर। मीक होता है दब्बू या कमजोर। अब इस डिफिडेंट के बारे में ध्यान दीजिएगा, जो डिफिडेंट आता है डिफिडेंट, वैसे इसका जो एंटो होता है ये होता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट प्रेपोजिशन में ऑफ लेता है, ये आत्मविश्वास की कमी है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ, ठीक। और इसको जब भी कॉन्फिडेंट को पढ़िएगा तो इस कॉन्फिडेंट के साथ आप
एक कॉन्फिडेंट को और ध्यान दीजिएगा, ये आत्मविश्वास, आत्मविश्वस्त, आत्मविश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट, ये होता है अंतरंग मित्र, या इसे कहते हैं निजी, या इसे कहते हैं गुप्त या गोपनीय, गुप्त या गोपनीय। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, डिफिडेंट और क्या हो सकता है, डिफिडेंट हो सकता है नर्वस, यह हो सकता है हेजिटेंट, और अगर कॉन्फिडेंट ना देता तो यहाँ ऑप्शन में देता गारंटीड, ये ना होता तो ये होता सेल्फ एश्योर्ड। तो ऐसा भी पूछा है कभी कभी कि अगर कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा तो गारंटीड आता है किसी चीज़ की गारंटीड या सेल्फ एश्योर्ड, और इधर नर्वस और हेजिटेंट। नोट इट, इनका मतलब ही होता है आत्मविश्वास की कमी। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्टली स्पेल्ड मोनोलॉग। मोनोलॉग होता है एम ओ एन ओ एल ओ जी यू ई, ठीक है ना, यहाँ यू दे दिया, ये गलत है, एल ओ जी यू ई, ठीक है ना, मोनोलॉग। देखिए मोनोलॉग के बारे में अगर आप देखेंगे तो मोनोलॉग, डायलॉग, एपीलॉग। मोनोलॉग होता है मोनो मतलब एक, लॉग मतलब वार्ता, मोनोलॉग होता है टॉक टू वन सेल्फ, टॉक टू वन सेल्फ, खुद से वार्ता, टॉक टू वन सेल्फ, खुद से वार्ता। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखिएगा, मोनोलॉग और एक होता है डायलॉग। मोनोलॉग होता है टॉक टू वन सेल्फ या एलोन, और ये होता है कन्वर्सेशन बिटवीन, कन्वर्सेशन बिटवीन टू, कन्वर्सेशन बिटवीन टू, जो दो के बीच आप वार्ता करते हैं उसे कहते हैं डायलॉग, और जो केवल एक के बीच है वो मोनोलॉग। और एपीलॉग से कन्फ्यूज मत होइएगा, एपीलॉग आपका होता है प्रीफेस, प्रीएम्बल, ठीक है ना, ये आपका होता है प्रस्तावना। सोलिस्की होता है अकेले से वार्ता, नेक्स्ट है आपका स्पॉटिंग एरर है, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेट हमेशा प्रेपोजिशन में ऑन लेता है, तो ऑप्शन बी। याद रखिएगा कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का मतलब होता है बधाई देना, और ये दोनों प्रेपोजिशन में हमेशा ऑन लेता है। बहुत पूछा है इसको, इतनी बार पूछा है ना कि पूछ देखते देखते ये याद हो गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। माई ब्रदर एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर, तो क्रिया मेन वर्ड के अकॉर्डिंग आएगी तो आर नहीं इज हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी। ये पांच नंबर में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, केवल और केवल किन किन शब्दों को याद रखिएगा आप, बस एलॉन्ग विथ
टुगेदर विथ, कपल विथ, कपल विथ एज वेल एज, जैसे ये चार तो याद करना बहुत कंपलसरी है डियर, ये चार है, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, कपल विथ, एज वेल एज, या किसी भी प्रेपोजिशन से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो क्रिया हमेशा मेन वर्ड अर्थात पहले वाले के अनुसार प्रयोग होता है। लेकिन ये चार शब्द आप ध्यान रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट अलोंग विथ, टुगेदर विथ, कपल विथ, एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो क्रिया हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। तो यहां पर जब आप देखेंगे माई ब्रदर, तो भाई मेरा मेन वर्ड हो जाएगा, तो भाई के अकॉर्डिंग क्रिया आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए छह नंबर का जवाब दीजिए। छह नंबर, छह नंबर कह रहा है यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। तो सिंपल सा देखिए, हैव प्रिपेयर्ड है, यू है, इज नॉट यू नहीं, सीधे होना चाहिए था हैवंट यू, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा सी, क्योंकि जिस टेंस में स्टेटमेंट होता है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग होता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन हो या प्रोनाउन, लेकिन जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। तो उसी के आधार पर देखेंगे कि यहां यू दिया है तो उसी के आधार पर जाएगा यू हैव नॉट यू, तो हैव नॉट यू तो ऑप्शन सी। व्हाट गुड फॉर्च्यून आई फाउंड द बेरी थिंग आई वॉच, ठीक है, व्हाट अ गुड फॉर्च्यून, कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी अच्छी किस्मत है मुझे वही मिल गया जो मैं, तो वही इसी को कहते हैं ना कि कितनी अच्छी किस्मत है कि मैं मुझे वही मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था, तो बोलेंगे व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, जो कुछ मैं ढूंढ रहा था। लुकिंग बिसाइड्स का तो सेंस ही नहीं आएगा, इन सब का लुकिंग इन लुकिंग टू, तो ऑप्शन डी, कितनी अच्छी किस्मत है मुझे वही मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द स्विमर हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर, तैराक ने अपने कपड़े और नदी में कूद गया, तो क्या किया होगा, कपड़े उतारा होगा ना, तो कपड़े उतारा होगा तो यानी कपड़े उतारने की बात हो रही है, उसने अपने कपड़े उतारे और नदी में कूद गया, तैरने के लिए कूदा होगा। कपड़े उतारे और कूद गए, जल्दी से आंसर दीजिए। मिस्टर अभिषेक, इन्होंने आंसर दिया ए, श्रवण टुक ऑफ, दीपक डी, रिचा ए, बिल्कुल। देखिए यहां पर टुक ऑफ होता है उतारना, टुक आउट होता है बुझाना, ये टुक ऑफ से कोई सेंस नहीं है, अब ये टुक डाउन नीचे रखने के सेंस में आ जाएगा, तो कपड़े उतारे होंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और टेक ऑन होता है पहनना, तो जब कोई पहनता है तो टेक ऑन है, उतारता है तो ऑफ होता है, तो द स्विमर टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, ठीक है, तैराक ने अपने कपड़े उतारे एंड जंप्ड इनटू द रिवर, और नदी में कूद गया। आई बिल, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फिर क्या पूछना है, बिल और सेल के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिया तो अब जाहिर सी बात है कि फिर एक ही ऑप्शन बन सकता है
फ्यूचर इंडेफिनिट विद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब विल बी ट्रेवलिंग हो जाएगा, ठीक तो यही आंसर हो जाएगा। ट्रेवल्स तो बनेगा नहीं, एम तो आएगा नहीं, बी लगने के बाद आई एन जी आएगा, पैसिव वॉइस होता तो थर्ड फॉर्म आता, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, पहला मैं यात्रा कर रहा होऊंगा सिंगापुर का नेक्स्ट मंथ अगले महीने। कार्तिक नौ का बी हम पटक के मारेंगे तुमको, ये ध्यान रखे रहिएगा। नौ का बी कहां से लगा दोगे तुम, किस तरह से, इतना आसान क्वेश्चन गलत करोगे भाई साहब, फिर ये तो गलत बात है ना, गलत होने लायक क्वेश्चन तो होना चाहिए कम से कम, किस आधार पे आप बी ट्रेवल लगाइए आप खुद बताइए। अगर कॉन्टिन्यूअस बनेगा फ्यूचर का तो बिल सेल के साथ बी लगा के आई एन जी, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता तो बिल सेल के साथ बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जाता। बी ट्रेवल कौन सा बनेगा, बी तो ट्रेवल कोई टेंस ही नहीं होगा, गलत बात है ये तो, ब्लंडर आप करेंगे फिर। हाँ तुम क्या समझ रहे हो, हम पटक कर नहीं मार सकते क्या, फ्रेज है मेड लाइट ऑफ, फ्रेज है मेड लाइट ऑफ, चलिए अब आंसर दीजिए मेड लाइट ऑफ। देखिए मेड लाइट ऑफ होता है कि समवन हु हैज नो इम्पोर्टेंस एंड ट्रीटेड एज अ लाइटली मैनर, कोई वह जिसका अच्छे से सम्मान ना हो और बहुत सामान्य तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता हो। तो डिड नॉट हियर ना सुनना, ब्लू अबे बह जाना, ट्रीटेड इट लाइटली यही होगा, हल्के में लेना है साधारण व्यवहार करना, कैरीड विथ हिम साथ ले जाना। इब्री इंच अ जेंटलमैन, एक एक इंच से वो जेंटलमैन है, इब्री इंच अ जेंटलमैन मतलब एक एक इंच वह जेंटलमैन है, तो भाई एक तरह से इंटायरली सम व्हाट किसी तरह से पार्शियली आंशिक कैलकुलेटिवली संयुक्त रूप से, तो ऑप्शन सी इंटायरली पूरी तरीके से। कॉल एंड वार्म वुड, ठीक है ना, सॉरी गाल एंड वार्म वुड, गॉल एंड वार्म वुड होता है किसी से नफरत करना, हेट होता है, जीलस इनवी डिस्पाइटफुल स्पाइटफुल मैलिस लोथ अवॉइड डिस्गस्ट नोसिएट प्रॉब्लम समस्या यूजलेस बेकार हार्ड टू डाइजेस्ट जिसे पचाना कठिन हो, तो गॉल एंड वार्म वुड ईर्ष्या, तो 12 का बी। चलिए आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ रफ वायोलेंट ट्रबलसम पर्सन, ठीक है, तो टार्टर टॉकर वेगाबॉन्ड स्वेंडलर, एग्जैक्टली देखिए एक असभ्य हिंसात्मक और परेशान आत्मा, इसे कहते हैं ट्रबलसम मतलब परेशान, जैसे लोग बोलते हैं ना भाई साहब इनसे क्या, ये तो परेशान आत्मा है, एकदम परेशान आत्मा है, कहीं भी आएंगे ना इनको सब समस्या है। जैसे एक लोगों को आप समझा रहे थे कि ईच और एवरी में, बोले सर ईच और एवरी में तो ठीक था, वो हम सोच रहे थे कि आइदर वाले में भी अंतर बता देते, अच्छा आइदर में आप बताना शुरू किए, तो बोले हाँ सर वो आइदर वाला तो ठीक था, लेकिन वो हम आइदर डॉट डॉट आर वाले में भी हमको बड़ी दिक्कत थी, अच्छा आइदर और आर आप बताना शुरू किए, तो बोले सर आइदर तो वो ठीक था, लेकिन वो समस्या ये आती थी कि आइदर के स्थान पर क्या एनी नहीं आ सकता है, आप एनी बताना शुरू किए तो उनको लगता था सर वो जो एनी होता था ना, अगर एनी वन उसको कर दिया जाए तो सर एनी और सम वाला जो एडजेक्टिव वाला नहीं था, एक निगेटिव और इंट्रोगेटिव और एक पॉजिटिव वाला, मतलब जबरदस्ती ऐसी ऐसी बातें करके कि आपको उलझा देंगे। ट्रबलसम पर्सन मतलब वो परेशान आत्मा है, उनके पास इतने क्वेश्चंस हैं और इतने डाउट्स हैं, अच्छा ताजुब की बात जानते हैं, उनके पास उतने क्वेश्चन भी हैं और उतने ही डाउट्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, कुछ लोगों के पास क्वेश्चंस हैं डाउट्स नहीं हैं, कुछ लोगों के पास डाउट्स हैं क्वेश्चन नहीं, बट उनके पास क्वेश्चंस और डाउट्स दोनों होते हैं, तिनको कहते हैं टार्टर्स। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तीखा होते हैं कटु होते हैं, ये सब अपने आप में होते हैं कि जो जो हिंसात्मक होते हैं। अब देखिए टाकर होता है बातूनी, जो बात करता हो, स्वेंडल से बन गया है स्वेंडलर, जो धोखा देने का कार्य करता हो,
धोखेबाज, और बेगा बॉन्ड होता है आवारा। आवारा उसे कहते हैं बिना उद्देश्य के घूमने वाला, वन हु वॉक्स विदाउट एनी एम, वन हु वॉक्स विदाउट एनी एम, जो बिना उद्देश्य के घूमता हो उसे कहते हैं बेगा बॉन्ड। अ ब्रेव नोबल माइंडेड आर चिबलरस मैन, देखिए अब उसी से जस्ट अपोजिट पूछ लिया, बहादुर अच्छा नोबल माइंडेड मतलब उर्वरक दिमाग जिसका हो, एंड चिबलरस और चिबलरस बहादुर व्यक्ति, ठीक, हैंडसम सुंदर रोबस्ट होता है सुदृढ़, रेकलेस लापरवाह, गैलेंट बहादुर, ठीक। अब ये मामला फंसेगा रोबस्ट और गैलेंट में, इन दोनों में आंसर आप लोग दे लीजिए, फिर मैं आंसर आपको बताता हूं, रोबस्ट और गैलेंट में। क्या देंगे आंसर? अभी 14 का दे लीजिए, फिर 15 पे जाइए अभिषेक। सी गैलेंट। आखिर रोबस्ट भी तो सुदृढ़ होता है, दोनों में डिफरेंस किस आधार पर आप करेंगे? तो देखिए ये जो रोबस्ट होता है ना बच्चों, ये रोबस्ट होता है स्ट्रांग, ये मजबूत का भाव दिखाता है, ये मजबूत होता है, ये अपने आप में सुदृढ़ होता है, और ये जो गैलेंट होता है ये अपने आप में योद्धा, बहादुर, योद्धा या बहादुर, तो इसे बोलेंगे सी गैलेंट। अ ब्रेव नोबल माइंडेड आर चिबलरस मैन। ऑब्सेशन विथ बुक्स, जिसको किताबों की सनक हो गई हो, बिब्लोमीनिया होगा, बिब्लोमीनिया, बिब्लियो का मतलब होता है किताब। अब ये मेगालोमेनिया, मेगा का मतलब बड़ा बड़ा, मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया का मतलब होता है खुद को बड़े होने की सनक, बड़बोलेपन की, और इगोमीनिया अहम, अहम ईगो प्लस मीनिया, ठीक, और जेनोफोबिया जिसको विदेशियों से नफरत हो, ठीक है, हेट टू फॉरेनर्स, तो ऑप्शन ए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। देखिए द फार्मर्स वर्क्स, द फार्मर्स वर्क एट फील्ड, किसान खेतों पर काम करते हैं कि खेतों में काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए किसान काम करते हैं खेतों पर, फील्ड अगर आपका कोई प्लेस होता है और प्लेस अगर वो छोटा हो तो एट आएगा, बड़ा होगा तीन आएगा, तो फील्ड यहाँ कोई प्लेस नहीं है, खेतों में काम करते हैं, तो ऑप्शन सी। द बॉस इम्पेशेंटली, बेचैनी पूर्वक, टोल्ड हिम, उसे बताए, टू गेट अप विथ हिज वर्क, टू गेट अप विथ हिज, इसे कहते हैं ना भाई देखो कैसे काम नहीं चलेगा, तुम अपना काम पूरा करो, मतलब बॉस को नाराजगी रही होगी, उन्होंने बोला होगा कि नहीं नहीं तुम अपना काम पूरा करो, ठीक है। तो गेट अप, गेट ऑन, गेट बाई, गेट अंडर, ठीक है। 17, तो क्या करेंगे? देखिए अच्छा मैं बताऊं, बी ऑप्शन गेट बाई, देखिए दोनों चीज ध्यान रखिएगा, गेट ऑन विथ, इसका अर्थ होता है घुल मिलकर रहना, एक सेंस होता है घुल मिलकर रहना, और एक होता है अपना कार्य पूरा करना। गेट बाई होता है किसी चीज का पाना, किसी चीज का
पाना, किसी चीज का पाना, जब आप कोई चीज पाते हैं तो गेट बाई है, गेट अंडर होता है के अधीन, तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन टू गेट ऑन विथ, ठीक, क्योंकि कैच अप योर टास्क होता है, बॉस ने बेचैनी पूर्वक उससे कहा तुम अपना काम पूरा करो भाई, जो आपकी ड्यूटी है वो आप पूरा करिए। नहीं अभिषेक शिवशंकर, ऑन द फील्ड नहीं होता है, खेतों पर नहीं होता, खेतों में होता है काम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द जज रिमार्क्ड ऑन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एंट्रीज फॉर द कॉम्पिटिशन, द जज रिमार्क्ड ऑन, अच्छा यही सबसे बड़ी समस्या फ्रेजल वर्ब भी होता है, ठीक है, क्या होता है रिमार्क ऑन, हमेशा ध्यान दीजिएगा रिमार्क का मतलब ही होता है किसी चीज पर टिप्पणी करना, रिमार्क ऑन का मतलब ही होता है टिप्पणी करना, जैसे लोग बोलते हैं ना भैया आप भी इस पर एक रिमार्क कर दीजिए, ठीक है, जज ने रिमार्क्ड ऑन द हाई स्टैंडर्ड, जज ने टिप्पणी किया उच्च स्तर पर ऑफ एंट्रीज प्रवेश के फॉर द कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के, प्रतिस्पर्धा के उच्च स्तरीय प्रवेश पर उसने टिप्पणी किया। He did not know how to solve the problem and I did not either. उन्नीस नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर आप इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे तो सॉल्यूशन से भी इसको समझना थोड़ा सा कठिन काम होगा, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन भी बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें देखिएगा विवादित रहा है थोड़ा सा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, ही डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वह नहीं जानता था समस्या को कैसे हल किया जाए, एंड आई डिड नॉट आइदर, और मैं भी नहीं, और मैं भी नहीं। मोस्टली बच्चों का आंसर बी आ रहा है। नीदर डिड आई, देखिए सही बात है। अब यहां घटना पास्ट है तो ये तो क्लियर है कि प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक, और निगेटिव के सापेक्ष निगेटिव आंसर आता है, पॉजिटिव के सापेक्ष हमेशा पॉजिटिव उत्तर आता है, तो ये भी ऑप्शन हट गया क्योंकि आइदर नहीं आएगा, या तो आएगा नॉट आइदर और या तो इसके स्थान पर आएगा नीदर, नीदर के साथ नॉट नहीं आएगा। अब यहाँ पर मामला क्या है, सही ये भी है, डिड नॉट आइदर भी, ये भी सही है और ये भी सही है, सही दोनों हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी एग्जाम में इन्वर्जन और विदाउट इन्वर्जन दोनों आए तो पहली प्राथमिकता हमेशा इन्वर्जन को दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी, लेकिन अगर ये ना हो तो ऑप्शन में तभी मैं आंसर डी भी मान लेते, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इन्वर्जन एवं विदाउट इन्वर्जन दोनों ऑप्शन आते हैं तो पहली प्राथमिकता इन्वर्जन वाले ऑप्शन को दिया जाता है। ओके 20 नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं समझाता हूं ना, आप अभी क्यों 20 में परेशान हो गए, हमें आने तो दीजिए। पहले ये बता दीजिए 19 नंबर क्लियर हुआ ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अब आप इसका रिप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। It is a place far off here.
20 का बी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा, यह एक स्थान है, इट इज अ प्लेस फॉर, फॉर मतलब दूर, जो दूर है यहां से, यहां से, तो यहां से दूर है, संबंध को दिखा रहा है ना, तो फार फ्रॉम हियर होगा, इट इज अ प्लेस फॉर फ्रॉम हियर, यह एक स्थान है जो यहां से दूर है, फार फ्रॉम हियर। पैसेज है मैरी गार्डन, मैरी गार्डन प्रॉपर नेम है, नोटेड मतलब मशहूर, एक मशहूर ओपेरा सिंगर, ओपेरा सिंगर, ओपेरा एक प्रकार का म्यूजिक है, एक प्रकार का संगीत है, ओपेरा सिंगर, अर्नड अ ग्रेट डील ऑफ मनी, इन्होंने बहुत पैसा कमाया ड्यूरिंग हर कैरियर, अपने कैरियर के दौरान, अपने कैरियर के दौरान इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बट वॉज कॉन्स्टेंटली बदर्ड, बदर्ड लेकिन वह निरंतर परेशान रहती थी, बी ओ टी एच ई आर बदर, तंग करना या परेशान करना, ये क्रिया है, और एक बी आर ओ टी एच ई आर हो जाएगा, तो ये ब्रदर नाउन है जो भाई, ठीक, लेकिन वह निरंतर तंग या परेशान थी, बाय द डिमांड्स मांग से, ऑफ हर फादर अपने पिताजी के, फॉर मनी पैसे को, एंड ऑलवेज और हमेशा, इन लार्ज सम्स बड़ी मात्रा में, ठीक। मतलब परेशान इन्होंने दो बातों से थी, एक बात तो पैसा मांगते थे पिताजी बार बार, और दूसरी बात जो मांगते भी थे वो बड़े अमाउंट में मांगते थे। मिस गार्डन वुड ऑलवेज गिव इट टू हिम, मिस गार्डन यानी मैरी गार्डन वुड ऑलवेज गिव इट टू हिम, हमेशा उन्हें यह दे देती थी, इट मतलब पैसा। दो, यद्यपि सी वुड ऑफन कंप्लेन, यद्यपि वह प्रायः शिकायत करती थी, दैट की हिज रिक्वेस्ट सीम्ड सम वॉट अनरीजनेबल, उनका निवेदन यह प्रतीत होता था अनरीजनेबल, मतलब कभी कभी अनरीजनेबल, बात समझ रहे ना भाई, जब आप पैसा मांगेंगे तो कोई ना कोई तो रीजन देंगे ना कि आखिर आपको पैसों की जरूरत क्यों है, तो पैसा यद्यपि वो हमेशा उन्हें दे देती थी पिताजी को, बट हमेशा उनका जो रीजन समझ में होता था वो अनरीजनेबल समझ में आता था, क्यों मांगे। टू दिस स्टॉक रिप्लाई, टू दिस स्टॉक रिप्लाई वॉच दैट, और उनका यह है कि स्टॉक रिप्लाई होता था यानी तत्काल, यानी उनकी एक ही बातों में से जो बात थी उसी में से एक रिप्लाई हमेशा होता था, दैट की ही नीडेड द मनी फॉर अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट, उन्हें एक विशेष कार्य के लिए पैसों का आवश्यकता होती थी, भाई बोल देते थे विशेष कार्य की आवश्यकता है, अब ठीक है देना हो तो आप दीजिए, ना देना हो मत दीजिए। सी वॉज नॉट गोइंग टू रिफ्यूज हर फादर वॉच सी, ठीक, वह नहीं मना कर पा रही थी अपने पिताजी को वॉटसी, क्योंकि वह थी तो बेटी ही वॉटसी, ठीक है ना। ड्यूरिंग द डिप्रेशन मिस गार्डन, मामला देखिए आगे बढ़ गया, ड्यूरिंग द डिप्रेशन तनाव के दौरान, मिस गार्डन, मिस गार्डन के यानी मिस गार्डन के बुरे दिन आ गए, लाइक मैनी अदर्स अन्य जो लोगों के जैसा, लॉस हर मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश, वह स्टॉक मार्केट क्रैश संकट में अपना पैसा खो दिया, गवा दिया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, जल्द ही उसके बाद, हर फादर डाइड, उनके पिताजी भी मर गए, एंड मच टू हर सरप्राइज, और सबसे ज़्यादा उन्हें आश्चर्य था, सी वॉज नोटिफाइड, उन्हें सूचना दी गई दैट की ही हैड लेफ्ट अ लार्ज बैंक अकाउंट इन हर नेम, कि वह एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट उसके नाम छोड़ गए, बेटी के नाम, ही हैड सेव्ड फॉर हर एवरी सेंट, वह अपना प्रत्येक पैसे बचाए थे, सी हैड गिवन हिम, जो उसने उन्हें दिया था। द डिमांड्स गॉड मेक्स ऑन अस, द डिमांड्स वही मांग गॉड मेक्स ऑन अस, ईश्वर जो कभी हमें पूर्ति करता है, मे सीम हार्ड, हमें बहुत कठिन प्रतीत होता है,
एट टाइम्स, ऐसे समय पर, बट ऑल द वाइल ही इज एक्चुअली हेल्पिंग अस, लेकिन हर समय वह मेरी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन हर समय यानी कभी कभी ईश्वर जो कुछ हमें देता है वह बड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन ईश्वर ऐसे में हमारी मदद कर रहा होता है टू स्टोर अप एन इंटरनल बैंक अकाउंट, एक आंतरिक बैंक अकाउंट यानी पैसे को जमा करके इन हिवन स्वर्ग में, वन विच में बैलेंस द स्केल्स, जो आपके पटरी को जीवन को बराबर रखेगा इन आवर फेवर, हमारे पक्ष में, व्हेन बी लीस्ट एक्सपेक्टिंग, जब हम उससे कम से कम संभावना करते हैं, यानी ऐसी स्थिति में ईश्वर हमेशा आपके लिए एक समतुल्य करने की स्थिति बनाए रखता है, जब हम बिल्कुल अपेक्षा कम से कम करते हैं, जब हम बिल्कुल अपेक्षा कम से कम करते हैं। ट्रबल्स आर ऑफन, यानी ट्रबल्स, ट्रबल्स का मतलब मुसीबतें, ऑफन प्रायः होती हैं द इंस्ट्रूमेंट्स, समझिएगा मेटाफर रूपक अलंकार है, यानी मुसीबतें प्रायः इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, बाई विच गॉड फैशंस अस फॉर बेटर थिंग्स, ईश्वर जिसके द्वारा हमें अच्छी चीजों को प्रचलन में लाता है, समझ रहे ना, यानी लेकिन का कहना है कि ट्रबल्स एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, भाई सिंपल सी बात समझिए, अगर आपके पास दुख ना होता तो क्या सुख की अनुभूत होती, क्या आपके भूख ना लगी होती तो खाने का स्वाद मिलता, अगर कभी प्रेम ना हुआ होता तो क्या आप नफरत जानते, अगर नफरत ना हुई होती तो क्या आप प्रेम को जानते, तो ये सब तो जीवन के दो पहलू हैं, तो वही कहना है कि ट्रबल्स और ऑफन द इंस्ट्रूमेंट्स, ये वे इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं मुसीबतें, बाय विच, जिससे गॉड फैशंस अस, ईश्वर हमें फैशन करता है यानी प्रचलित में लाता है, समस्या को समझाता है फॉर बेटर थिंग्स, समझ गए, यानी पिताजी पैसा मांगते थे, उसे बहुत तकलीफ होती थी पैसा देने में, ऐसे लगता था जैसे पिताजी फालतू में मांग रहे हैं, लेकिन वो बैंक अकाउंट में जमा कर देते थे, और जब उसके बुरे दिन आए तो उसने पैसा स्टॉक मार्केट शेयर में खो दिया, और पिताजी भी जल्द ही गुजर गए, लेकिन पैसा बैंक में जमा था जो उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है, मैरिज फादर मेड डिमांड्स फॉर, मैरी के पिताजी ने मांग किया फॉर के लिए, तो मैरी के पिताजी जो पैसे की मांग करते थे, किस लिए पैसे की मांग करते थे, पैसे की मांग क्यों करते थे, बिल्कुल सुसज्जित करते थे, रंजीत, आई स्मॉल सम ऑफ मनी, लार्ज सम्स ऑफ मनी, नो मनी, अ रीजनेबल सम ऑफ मनी, तो हमेशा वो एक बड़े अमाउंट मांगते थे, तो ऑप्शन आपको बनेगा बी, लार्ज सम्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है, मैरी टू द डिमांड्स ऑफ हर फादर, मैरी ने क्या किया, कुड नॉट रिफ्यूज, मना नहीं कर सकी, टू पे एनी अटेंशन, वॉन्टेड टू रिफ्यूज, मना करना चाहती थी, टू पे एनी अटेंशन, फाइनली रिफ्यूज्ड, मना कर दिया, शुरू में ही मना कर दिया, मना करना चाहती थी, ये कुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी अटेंशन, वो कभी भी मना नहीं करती थी, बस परेशान होती थी लेकिन पैसा पे कर देती थी, तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मैरीज फादर हैड ऑल द मनी ही टुक फ्रॉम हर, मैरी के पिताजी ने सभी पैसे को जो उन्होंने उससे लिया, गैम्बल्ड, जुआ खेल लिया, इन्वेस्टेड, निवेश कर दिया, वेस्टेड, व्यर्थ कर दिया, सेव्ड, बचाया, व्यर्थ भी नहीं किया, जुआ भी नहीं खेला, कहीं निवेश भी नहीं किया, डी, सेव, जितना दिए थे उतना उन्होंने बचा के रखा। ड्यूरिंग द डिप्रेशन, तनाव के दौरान, मैरी इन द स्टॉक मार्केट, तो मैरी ने क्या किया था, पैसा खोया था कि पैसा पाया था, लॉस, नो मनी एट ऑल, बिल्कुल पैसा नहीं खोया, लॉस हर मनी, यही आंसर होगा, लॉस सम मनी, कुछ पैसे, लॉस लॉट्स ऑफ मनी, ये भी है, तो ये लॉस हर मनी या लॉस लॉट्स ऑफ मनी, इन्हीं दो में से आंसर आपको लगाना है, क्या लगाएंगे, पहले बी या डी, इसके बारे में आप डिसाइड करिए, बी या डी।
कंफ्यूजिंग है, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं आंसर, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, कंफ्यूज होने लायक क्वेश्चन है। देखिए पैसेज में उसने नहीं कहा था कि उसने कम खोया कि ज्यादा, पैसेज में साफ साफ कहा उसने अपना पैसा खो दिया, तो अपना पैसा खो दिया तो आप भी बोलेंगे बी लॉस और मनी, डी नहीं ऑप्शन बी। गॉड एट टाइम्स मेक्स हार्ड डिमांड्स सो दैट ही व्हेन बी लीस्ट एक्सपेक्टेड, यानी ईश्वर गॉड एट टाइम्स ऐसे समय पर मेक्स हार्ड डिमांड्स, बड़ी बड़ी मांग करते हैं, बड़ी डिमांड करते हैं, सो दैट ताकि ही वह, ही कैन बैलेंस द स्केल अगेंस्ट अस, ही कैन बैलेंस द स्केल्स इन आवर फेवर, ही कैन हार्म अस, ये तो कहीं कहा ही नहीं है, रिफ्यूज कहा ही नहीं है, ये हमारे खिलाफ भगवान काम कर सकें कि हमारे फेवर में कर सकें, तो भाई भगवान हमारे अगेंस्ट थोड़ी ना जाएंगे, फेवर में, तो ऑप्शन कौन सा बी। जैसे लोग कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा कुछ देने से पहले बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं, और जो फिर ईश्वर के उस कठिन परीक्षा में पास हो जाता है उसी को मिलता है, और सही बात है, आपको भी अगर कुछ देना होगा किसी को अपना, तो आप किसी उसी को देंगे जिसको बहुत कठिन आप परीक्षा लेंगे, कि एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, छः महीना, एक साल तक आप उसे परखेंगे, और जब आपकी परख में, आपकी नज़र में वो बिल्कुल परफेक्ट होगा तो अपना सर्वस्व आप उसे दे देंगे। ठीक है, तो हमेशा हार्ड टाइम्स होता है, तो ऑप्शन बी। चलिए सेट सेट 40 अगले सेट पर आ जाइए। सेट 40 पांच के पांचों सही हुए, गुड, बहुत बढ़िया। वैसे पैसेज इजी भी था ब्रदर, लेकिन ठीक है, फिर भी पांच के पांचों सही हुए, बढ़िया। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, साइनो बताना है, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई, देखिए रेक्टिफाई ये होता है सुधार करना, सुधार करना, और जब भी रेक्टिफाई पढ़िएगा भूलिएगा मत इसी के साथ रेटिफाई, ये होता है सुनिश्चित करना। अच्छा बहुत कंफ्यूज कराता है ये, हम तो जब पढ़ते थे शुरू में ना तो इन दोनों में अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते थे, रेटिफाई रेक्टिफाई, हमको लगता था पता नहीं कौन सा कौन वाला है, रेटिफाई रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई सुधार है और रेटिफाई सुनिश्चित, तो रेटिफाई कन्फर्म है, कन्फर्म ये है इनसेओर, किसी को सुनिश्चित करना, ये क्या है मेंड, अमेंड, इमेंड, इमेंड, करेक्ट, तो ये दिया है ना, ठीक, मेंड, अमेंड, इमेंड और करेक्ट, सुधार करना, ठीक, रेक्टिफाई। पैसिफाई होता है शांत करना, शांत करना, पैसिफाई। रिड्यूस कम, संतुष्ट करना, सेटिस्फाई, तो ऑप्शन बी। ये बहुत अच्छा वर्ड, दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। चूज द वर्ड अपोजिट, वैंक्विश, वैंक्विश होता है जीत लेना, वैंक्विश इसे कहेंगे, ओवरकम, बिन, ट्रिम्प, या इसे कहते हैं विक्ट्री, जीत लेना। अब इसका अपोजिट क्या होगा भाई, जीतने के बजाय हार मान लेना, तो हार मान लेना कौन सा हो जाएगा, तो वैनिश होता है, वैनिश होता है कि आपका एक तरीके से गायब हो जाना, सरेंडर हो जाएगा, हार मान लेना, आत्मसमर्पण। ट्रैम्पल वार्निश, प्रियांशु सी, हाँ सी ही लगाएंगे,
ट्रैम्पल समझते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। चलिए, तो ये बात समझ में आया, इस बैनिश से कंफ्यूज मत होइएगा, ये वी है और एक बी ए भी होता है, डिसअपीयर गायब होना, देश निकाला और गायब होना, ये वार्निश होता है, वार्निश फर्निश, बात समझिएगा, जहाँ किसी चीज को रंगों से सजाया जाता है वार्निश, ठीक समझ लीजिएगा। वार्निश फर्निश डेकोरेट, डेकोरेट में ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स, जहां आप सुंदर चीजें लाते हैं वो डेकोरेट, फर्निश में हम फर्नीचर से सजाते हैं, और वार्निश में हम कलर्स से, जैसे आप अपना घर बनवाएंगे तो आप अपना घर बनवाएंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अपना घर बनवाएंगे तो आप बढ़िया सा कि दीवार जुड़वाएंगे, प्लास्टर करवाएंगे, फिर उसमें पीओपी करवाएंगे, फिर पीओपी बढ़िया घिसाई मंजाई, फिर उस पर बढ़िया पेंट, तो ये सुंदर लगा तो वो क्या है, वार्निश। अब उसमें क्या करेंगे, घर तो बहुत सुंदर हो गया, लेकिन ऐसे क्या कोई आएगा तो आपके फर्श पर बैठेगा, जमीन पर बैठेगा? अभी थोड़ी है कि पता लगा गांव का खटिया बिछा दिए, खटिया समझते ना, चारपाई, तो ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये भी नहीं है बस सिंपल सा तखत ले आया ऐसे सिंपल सा डाल दिया, अब आप सोफा डालेंगे, काउच डालेंगे, दीवान डालेंगे, बेडशीट आप बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया आप सेंट्रल टेबल लाएंगे, तो ये सब क्या है, फर्निश। अब मान लीजिए चलिए आपने फर्नीचर भी ला दिया, तो अब कभी कभी होता है ना कि भाई कुछ हम सुंदर थोड़ा सा बढ़िया फोटो लग जाए, कुछ सुंदर से पिक लग जाए, और साथ ही साथ कुछ प्लेट्यू लग जाए, मेमोरेबल थिंग्स लग जाए, तो अब आप अपने घर को क्या करेंगे, डेकोरेट। जैसे आप भी होता है ना कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नहा धो के तैयार हो गए, तो नहा धो के तैयार हो गए उसके बाद फिर तेल ओल लगाएंगे, बढ़िया सा क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, फिर सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे, फिर एक आध चैन अंगूठी ये सब पहन लेंगे, तो सब अपने आप को सुंदर बनाने के लिए ही तो करते हैं, तो ये सब अपने आप में सुंदर बनाने का पार्ट है। गांव की बात ही अलग है, क्यों गांव की बात में ऐसा क्या अलग है? अब देखिए और क्या बचा है, और ट्रैम्पल, ट्रैम्पल होता है पैरों तले रौंदना, कुचलना, रौंदना, और रौंदना हमेशा पैरों तले आता है, पैरों तले रौंदना, समझ गया ना? क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? चूज द करेक्ट स्पेल्ट, ग्रोटास्क, ग्रोटास्क बहुत अच्छा वर्ड है, ये साइनो और एंटो में भी पूछता है, होता है जी आर ओ टी ई एस क्यू यू ई, ग्रोटास्क, ये दिया ना, विकृत, ग्रोटास्क होता है विकृत, डरावना, जैसे कोई रूप हो, कोई चित्र हो जो बिल्कुल विकृत हो, जिसको देख के लोग डरे, तो दैट इज ग्रोटास्क। हियर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वियर ऑन द पार्टी, वियर ऑन द पार्टी, यहीं से चीजें समझ में आ जाएगा। पहले तो देखिए ये ठीक है, हियर यहां पर कुछ है जो है, समथिंग है, और जो समथिंग है सुंदर है, प्रिटी है, दैट जो, जो यू कैन बियर आप पहन सकते हैं, पार्टी पर नहीं होता है, पार्टी में होगा ऑप्शन सी। ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ बाइसिकल, सेलिंग अ कार एंड बाइंग अ, ठीक है ना, फॉर ऑल, ये ऐसे ही गलत है, फॉर ऑल नहीं होता है, ऑल फॉर होता है पूरी तरह से, ये फ्रेज होता है,
तो ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार, वो पूरी तरह से कार बेच रहा था एंड बाइंग अ साइकिल, और एक बाइसाइकिल खरीद रहा था। भाई ये तो अच्छी आदत है और सही बात है। कल्पना करके देखिए आप, अगर हम सब लोग साइकिल खरीद लें तो आप देखिए, सबसे पहले तो आज के समय में जो सरकार को बकैती आ रही है ना, 30 रुपये में है डीजल और पेट्रोल, 100 रुपये के आसपास बेच रहे हैं, 60 रुपये इसमें टैक्स चला जा रहा है पर लीटर, दुगने से ज़्यादा टैक्स। तो पहले तो ये गया। और जीवन बीमा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं सब इंश्योरेंस का पैसा खा खा के बैठी हैं, रोड टैक्स पे सब चला जा रहा है, सब टोल टैक्स पे चला जा रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं। और अगर हर आदमी आत्मनिर्भर हो गया ना, तो फिर ये सब जितने भी बिजनेस वाले ना, ये सब तबाह हो जाएंगे। और जो ईरान, इराक, सऊदी अरब, तेहरान, ठीक, छोटे छोटे सी खाड़ी वाले सब देश हैं ना, ये सब तेल बेच बेच के सब पागल हो गए हैं। क्योंकि तेल दुनिया में इतना ज़्यादा है कि तेल एक ऐसी चीज़ हो गई ना, जैसे मान लीजिए हम तो अंग्रेजी बेच रहे हैं, तो अंग्रेजी बेच रहे हैं तो हमको निवेदन करना पड़ता, भैया बाबू ले लीजिए, सामने लगाता, अरे नहीं यार हम किसी के यहाँ भी ले लेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो पढ़ाई लिखाई तो कहता हम जहाँ मन होगा वहाँ कर लेंगे, कोई उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तेल ऐसी चीज़ है ना, वो कहता अरे हटो यार हम तुमको तेल नहीं देंगे, तो सामने लगाता अरे नहीं 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 भैया आप हमको दे दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मांग इतनी ज़्यादा है। ठीक, तो वही इनका कहना है। तो आदमी पर्यावरणविद हो गए होंगे। ऑप्शन पहला, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। 6 नंबर क्वेश्चन, अरे अतुल कुमार साइकिल वाले योगदान नहीं, साइकिल वाले पता है स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर को पैसा नहीं देंगे, खाएंगे सब, और जीडीपी उत्पादन से होता है। क्या कार वाले जीडीपी में योगदान करते हैं क्या? कुछ नहीं करते। जीडीपी में वो योगदान करता है जो उत्पादन करता है किसी चीज का। चलिए 6 नंबर का आंसर जल्दी से दीजिए। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। छह नंबर का उत्तर दीजिए। जीडीपी इकोनॉमी पे आप लोग अपनी बातें बंद करिए। नहीं, हम अपे हम ईश्वर से कामना करेंगे कि अतुल जी के पास जल्दी कार आ जाए। सी, सी में क्या आंसर देंगे? सी में आंसर क्या देंगे? देखिए, लुक एट, पहली बात तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को देखना लुक एट, देखो, व्हाट, व्हाट मतलब जो कुछ, व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने एंटीसीडेंट को क्वालिफाई नहीं करता और किया भी नहीं है। देखो व्हाट आई एम डूइंग, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, देखो जो कुछ मैं कर रहा हूँ, एंड डू और करो, और करो लाइक वैसे ही, आई डू जैसे मैं करता हूँ, और वैसा ही करो जैसे मैं करता हूँ। बच्चे यहां आंसर सी तो दे रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं सी आप किस आधार पर आंसर दे रहे हैं। अजीत का बी आंसर आ गया। सी आंसर तो आप दे रहे हैं, बट दे किस आधार पर रहे हैं? अब चलिए मैं समझाता हूं। मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा था ना, कुछ बच्चों के पास किताब होगा तो किताब ने दिया है सी पार्ट, डू नहीं होगा। अब मामला यह है कि एक डू ये भी है, एक डू ये भी है, कौन वाला डू हटाऊं और क्यों हटाऊं? ठीक, कौन हटाएगा और क्यों हटेगा? अब बात समझिए, लुक एट, देखो व्हाट, जो कुछ आई एम डूइंग मैं कर रहा हूं, एंड डू और करो, और तुम भी करो लाइक जैसे, आई डू, डू हटाने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन की बात हो रही है इसलिए एज लगा दीजिए, ऑप्शन सी। ठीक है,
तो देखो बोर्ड को, आई एम डूइंग एंड डू एज आई डू, और वैसा ही करो जैसा मैं करता हूँ। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो एज, और जब फॉर एग्जांपल देना हो, फॉर एग्जांपल तो लाइक, तो लेकिन लाइक के बाद कभी क्लाज स्पष्ट नहीं होता, लेकिन एज के बाद क्लाज स्पष्ट होता है, क्योंकि एज कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद आप क्लाज को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन होता है लाइक, और लाइक के साथ प्रेपोजिशन के बाद क्लाज स्पष्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बेहतर होगा एज। या तो आप सिंपल से कहिए एंड, या तो इसको एक तरीके से एंड डू आई। तो जब सेम सेंटेंस पुनः आता है, सेम सेंटेंस पुनः आता है, तो ऐसे में ऑग्जिलरी वर्ब के द्वारा मेन वर्ब की पुनरावृत्ति को रोक दिया जाता है, और जब मेन वर्ब की पुनरावृत्ति को रोक दिया जाता है तो इन्वर्जन भी हो जाएगा। तो एंड डू आई, और वैसा ही करो जैसे मैं करता हूँ, तो एंड डू आई ये भी हो सकता है। तो यानी बेहतर होगा आप लाइक को एज कर दीजिए सिंपल से, या इन्वर्जन कर दीजिए। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? सी। हमको पता था कि आप लोग वही इंट्रोगेटिव कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि इंट्रोगेटिव और ये है। सी मी टुमारो, सी मी मुझसे मिलो कल, विदाउट बिना, मुझसे मिलो कल, कल मिलो बिना, बिना क्या, कल मिलो बिना, जानते क्या होता है ये फ्रेज होता है, विदाउट फेल होता है, विदाउट फेल होता है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मुझसे कल मिलो बिना किसी बाधा के। जैसे लोग बोलते हैं ना सी मी टुमारो। अच्छा, ये सब में जो स्पोकन वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत फायदा मिल जाता है, क्योंकि स्पोकन वाले ऐसी चीजों को अक्सर बोलते रहते हैं। रेडियम रेज दैट ब्लाइंड्स द आई, रेडियम क्या करता है? देता है किरणे, तो किरणे देता है, दैट ब्लाइंड जो अंधा कर देती हैं, द आईज आंखों को, जो आंखों को अंधा कर देती हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा देता है। अब गिव अबे दूर जाना, गिव ओवर मतलब ही नहीं है समाप्त, गिव अप होता है त्याग देना, गिव ऑफ होता है निकलना। तो रेडियम गिव्स ऑफ रेज, गिव्स ऑफ रेज दैट ब्लाइंड द आईज। यू विल हैव टू वर्क, यू आर इन द ऑफिस, आपको काम करना होगा, आप ऑफिस में हैं, आपको काम करना होगा अगर आप ऑफिस में हैं। वैसे इसमें अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कंफ्यूज अगर हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जानते हैं एडजेक्टिव जहां जहां है तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपैरिजन होता है, एज मच एज, उतना जितना, तो ये एडजेक्टिव है, ये तो होगा ही नहीं। एज फॉर एज होता है जहां तक की, ये होता है जहां तक की, और एज लॉन्ग एज होता है अगर, यही होगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज का मतलब होता है अगर। ये हमेशा कंडीशन का भाव दिखाता है, शर्त, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। टू एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, आग में घी डालना। दीपक सी नहीं होगा, ए होगा, ठीक है, आग में घी डालना। तो कौन सा है? प्रिवेंट फायर फ्रॉम डाइंग आउट, आग को रोकना डाइंग आउट बुझने से। मेक द फायर बर्न ब्राइटली, अच्छे से आग जलना। मेक थिंग्स वर्स, चीजों को बुरा हो जाने देना। बेस्ट फ्यूल फॉर नो रीजन, तो ऑप्शन सी मेक थिंग्स वर्स। टू टेक टू हर्ट, ठीक है, दिल पर लेना, टेक टू हर्ट। अच्छा, टेक टू हर्ट होता है दिल पर लेना, और बाई हर्ट होता है कंठस्थ कर लेना। बाई हर्ट होता है कंठस्थ कर लेना, कंठस्थ समझते हैं ना, याद कर लेना। जैसे जब आप किसी चीज को कंठस्थ कर लेते हैं तो याद कर लेना
बाई हर्ट, और टेक टू हर्ट दिल पर लेना, बी ग्रेटली अफेक्टेड, टू टेक समथिंग हर्टली यही होगा, टू स्ट्राइक एट द हर्ट आउट ऑफ इंजॉयमेंट, टू सफर फ्रॉम हर्ट डिजीज, तो ऑप्शन बी। टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट होता है प्रकाश में लाना, और प्रकाश में लाने का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, एक्सपोज होगा या रिवील होगा, तो ऑप्शन बी। पुट ऑन लाइट, प्रकाश डालना, ब्रिंग अ लाइट, टू अरेंज लाइट सफिशियंटली, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करना, ऑप्शन बी। ये सिंपल सेंटेंस है, अगर आप सिंपल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आप समझिए, तो जब भी एग्जाम में सिंपल सेंटेंस आता है दो ही बात का ध्यान रखिएगा, या तो सब्जेक्ट को अटैच और अनअटैच, या तो पार्टिसिपल। जब यहां पर आपको दे दिया लाइन, तो ये तो क्लियर है कि पार्टिसिपल के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, बस सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। तो जब कमरे में बिस्तर पर पड़ा था तो संगीत सुन सकता था, तो क्या बिस्तर पर संगीत पड़ा था? बिस्तर पर संगीत नहीं पड़ेगा, कोई संबड़ी पड़ेगा। तो कोई एक आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका सब्जेक्ट कोई संबड़ी हो, संबड़ी इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, केवल इसका है, यही आंसर। जैसे मैं एग्जाम में होता ना, एक सेकेंड में इसका उत्तर लगता देख कर, और मैं जो समझा रहा हूँ क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो नो लिखिए, ताकि मैं समझाऊं। फिर लिखिए, यस प्रियांशी, और भी बता दीजिए, बहादुर बच्चों, शैलेंद्र नो, शिवम नो, बाकी सब बच्चे क्या हैं? ये सब अंग्रेजों के जमाने के सैनिक है क्या? आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ। देखिए, यह है सिंपल सेंटेंस। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब पार्टिसिपल से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस बनता है तो होता है सिंपल सेंटेंस। जब हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं तो दो सेंटेंस को जोड़कर एक बनाते हैं। जब दो को जोड़कर एक बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट की संख्या एक होना चाहिए, वर्ब की संख्या एक होना चाहिए। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक क्रिया को पार्टिसिपल बदल देते हैं, सब्जेक्ट को कॉमन करके अटैच करते हैं। अब अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो, तो कॉमन करके उसे हम यहां लिख देते हैं और पार्टिसिपल से पहले सब्जेक्ट नहीं लिखते। लेकिन अगर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो यहां पर भी हमें सब्जेक्ट स्पष्ट करना पड़ता है और यहां भी स्पष्ट करना पड़ता है। और जब दोनों जगह हम सब्जेक्ट को स्पष्ट करते हैं तो वह हमारे लिए आसान होता है। अब यहां पर आप देखेंगे, लाइंग इन द रूम, कमरे में लेटे हुए, ठीक। म्यूजिक कुड बी हर्ड, म्यूजिक संगीत सुना जा सकता था। अब एक बात क्लियर है कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया तो इसका मतलब यही दोनों में कॉमन होगा। तो इसका मतलब है कि व्हेन द म्यूजिक वॉज लाइंग इन माई रूम, जब म्यूजिक मेरे कमरे में लेटा था तो म्यूजिक सुना जा सकता था। तो लेटने का काम म्यूजिक नहीं करेगा, लेटने का काम कोई संबडी करेगा। तो अब संबडी करेगा ये कैसे पता चला? मेरा रूम है तो जाहिर सी बात है लेटने का काम कौन किया होगा? आई किया होगा। तो यहाँ आई लिखिए, लेकिन हमको तो यहाँ कुछ करेक्शन करना नहीं, हमको यहां करना है। तो यहां हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसका सब्जेक्ट आई बना है, तो केवल एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन, जल्दी आओ यदि तुम ट्रेन जल्दी पकड़ना चाहते हो ना, तो जल्दी से आ जाओ। ठीक, अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्लाज ऑफ टाइम और क्लाज ऑफ कंडीशन हिंदी में भले ही गागीगे का भाव दे, बट उसकी अंग्रेजी हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इफ यू बिल हटेगा, सेल हटेगा, कुड हटेगा, यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन,
एट द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, यानी साउंड के कदमों पर ही टर्न्ड राउंड फास्ट रियली। ये भी क्वेश्चन बड़ा विवादित रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर क्या देंगे? देखिए, ही टर्न्ड राउंड, टर्न राउंड फास्ट रियली, ठीक है। पहली बात तो फास्ट का फास्टली नहीं बनता, ये तो क्लियर है, ये हट जाएगा। और यहाँ फास्टर बना के कोई कॉम्पेरेटिव डिग्री हम नहीं बना रहे हैं कि देन लगा के कंपैरिजन करेंगे। मामला फंसेगा रियल फास्ट, फास्ट रियली, ठीक है। देखिए कह क्या रहा है, ही टर्न्ड राउंड, वह तेजी से मुड़ा, ठीक है ना, तेजी से मुड़ा फास्ट रियली। ही टर्न्ड राउंड फास्ट रियली, क्या करेंगे? ए ऑप्शन, डी, कोई गलती नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। वास्तव में देखिए सबसे पहले आता क्या है, सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहां पर जब वो तेजी से मुड़ा है तो जाहिर सी बात है मैनर की बात कर रहे हैं, और जब मैनर की बात कर रहे हैं तो आप मैनर में किसको प्रिफर करेंगे, जो मैनर की बात करता हो? ठीक, एट द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स ही टर्न्ड राउंड फास्ट रियली। चलिए देखिए, वास्तव में यहां तो होना चाहिए था, अब इन्होंने आंसर दिया है रियल फास्ट। रियल फास्ट मतलब होता है वास्तविक आधार पर, ही टर्न राउंड रियल फास्ट, रियल फास्ट नहीं रियली फास्ट होना चाहिए था, और यही आंसर बन जाता रियली फास्ट। ऑप्शन पहला होना चाहिए था और इसको बनना चाहिए था रियली फास्ट, करेक्शन कर लीजिएगा। Only a few people came to the art exhibition as it was raining hard all day. It was raining hard all day. बात समझिएगा, केवल कुछ लोग, people के पहले a few आया, a few का मतलब होता है some but nothing, कुछ लेकिन ना के बराबर, कुछ लोग आए art exhibition, exhibition होता है प्रदर्शनी में, कला प्रदर्शनी में, because, क्योंकि, because मतलब क्योंकि, क्योंकि पूरे दिन बारिश हो रही थी, तो पहली बात तो अमाउंट नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा। अ फ्यू का मतलब लोग नहीं आए, तो अ फ्यू मतलब कम लोग आए, ठीक है। बाय फ्यू मतलब सम बट नथिंग, और फ्यू मतलब सम बट नथिंग, अ फ्यू मतलब सम बट नॉट एनफ, द फ्यू मतलब सम बट एनफ, तो थोड़े से कम लोग आए, ठीक है, कोई गलती नहीं होगा। ऑप्शन डी, हिज इमीडिएट एम्बिशन वाज टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन, उसका तत्काल एम्बिशन, महत्वाकांक्षा थी कि एक स्थान ढूंढना जहां वो रहे। गलत बात है, एम्बिशन नहीं होता, इसे एम कहते हैं। उसका पहला उद्देश्य था एक कमरा ढूंढना जहां वो रह सके, और जाहिर सी बात है पहले कमरा ढूंढना, खाने पीने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, तो रहना खाना पीना हो गया। फिर अब व्यवस्था करना है एक किताब की, किताब की व्यवस्था हो गई, फिर एक व्यवस्था करना है मास्टर की, मास्टर मिल गया, फिर क्या करना है, फिर किताब पढ़ना है, मास्टर से पूछना है, मास्टर को पढ़ाना है, हमको पढ़ना है, पढ़ेंगे और जम के परीक्षा देके निकल जाएंगे। तो स्ट्रेटजी होता है रणनीति, डिजाइन होता है बनावट। राइट ऑप्शन इज सी। वन वर्ड, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक, इसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, ठीक, लोगों का एक समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ये तबला बजा रही है, ढोल बजा रही है, हारमोनियम, ये ताशा, बढ़िया, कोई एक गा रहा है, कोई एक नाच रहा है, बढ़िया, अलग अलग ऑर्केस्ट्रा, मज़ा ही अलग है। मेलोडी मधुर, इलोक्यूशन सुंदर बोलना, हारमोनी एकता समन्वय, तो ये है ऑर्केस्ट्रा, संगीत समूह, ये एकता, ये है सुंदर बोलना, ये है मधुर। सोलेमन रिलीजियस एक्ट, पवित्र धार्मिक कार्य,
पवित्र धार्मिक कार्य, डिमॉन्स्ट्रेशंस होता है प्रदर्शन, सेलिब्रेशन होता है उत्सव, फंक्शन होता है कार्य, राइट्स होता है प्रथा, ठीक है ना। ये होता है धार्मिक रीति रिवाज के कार्यक्रम, धार्मिक रीत रिवाज के कार्यक्रम, धार्मिक रीत रिवाज के कार्यक्रम, ठीक। ये राइट है और एक रिचुअल होता है, ठीक। इसे कहते हैं कर्मकांड, राइट एवं रिचुअल। एक ये पुण्य का काम में है, ठीक, जो अच्छे हैं एक्ट, और एक होता है रिचुअल जो कर्मकांड से जुड़ जाता है। That which cannot be avoided, वह जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, यही होगा इनिविटेबल, अटल। That cannot be avoided, जिसे टाला ना जा सके। इररिपारेबल, जिसकी रिपेयर, जिसकी मरम्मत ना की जा सके। इनडिस्प्यूटेबल, जिससे विवाद ना हो सके, निर्विवाद। इनकम्पेरेबल, जिससे तुलना ना की जा सके, बेमिसाल। तो ऑप्शन ए पैसेज है, शिक्षा से जुड़ा हुआ पैसेज है। पैसेज है द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। शिक्षा का कार्य है नौजवान लोगों को तैयार करना जो जीवन के संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सकें। द End of education is not merely to pass some examination and get a job and earn one's livelihood. शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता कुछ परीक्षाएं पास कर लेना, एक नौकरी पा लेना और जीविकोपार्जन का अपना कार्य चला लेना, यही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। If education is to make people understand life, यदि शिक्षा जीवन के उद्देश्य को समझाता है, ठीक है ना, बात समझिएगा। इसीलिए कहा जाता है भाई शिक्षा का काम है बच्चों का बहुमुखी आयाम पर विकास करना। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है कुछ परीक्षाएं पास करके केवल नौकरी पा लेना जिससे हमारा जीविकोपार्जन चल सके। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब बच्चा स्कूल आता है, 10 लोगों के साथ बैठता है, मिलता है, तो एक मिलनसार का भाव, एक समाज में रहने का भाव, बैठने का भाव, बोलने का, चलने का, टहलने का, सबका भाव मिलता है। लेकिन कोविड ने एक ऐसी ऑनलाइन भाव ला दिया शिक्षा कि बच्चे आज अपने घर में पढ़कर सब कुछ समाप्त है, एकाकी है। कि पढ़ने में मन लग पाए तो भैया पढ़ो, समझ पाओ तो समझो, अदरवाइज और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में इमोशन नहीं होता, क्योंकि सामने वाले को हम तो देख रहे होते हैं बट वो हमें देख नहीं रहा होता है। तो यदि शिक्षा है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, लोगों को समझाए जीवन के बारे में, देन श्योरली लाइफ इज नॉट मियरली अ जॉब, तो निश्चित तौर पर जीवन केवल एक नौकरी नहीं है, आर एन ऑक्यूपेशन, या केवल व्यवसाय नहीं है। लाइफ इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वाइड एंड प्रोफाउंड, तो जीवन वास्तव में अति असाधारण है, बहुत विस्तृत है और बहुत गहरा है। जीवन अति असाधारण है, विस्तृत है, गहरा है। इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। अ वैस्ट रियल्म, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इन विच वी फंक्शन, जिसमें हम कार्य करते हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। लाइफ, लाइफ इज अ वन टाइम गिफ्ट डियर, एक बार ये मिला है, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। और बहुत बड़ा, ये दुनिया इतनी बड़ी है और इतने काम है ना कि एक जीवन कम है पूरी दुनिया घूमने के लिए। जान लीजिए पूरा भारत घूमना पड़ जाए, अभी भारत दर्शन जीवन कम पड़ जाएगा। अगर वास्तव में आप देखना हो तो यूपी भी इधर चले जाइए 500 किलोमीटर से लेके इधर भी 800 किलोमीटर तक है, 1300 किलोमीटर ऐसे ऐसे आप चले जाइए, तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो जीवन बहुत कम है। जीवन समझिए, द वैल्यू ऑफ लाइफ, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, द वैल्यू ऑफ एजुकेटेड। वी आर नॉट ओनली लिटरेट पर्सन, यू विल हैव टू ऑल्सो एन एजुकेटेड पर्सन। लेकिन क्या करेंगे, आजकल तो सुझाव दिया जाता है पहले कठिन परीक्षा को, प्रश्नों को हल करिए, आबेल मुझे मार, कठिन को हल करिए, सामान्य तो अपने आप ही हल हो जाएंगे। सुझाव ऐसा दिया जाता है, वो भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से। लाइफ इज एन समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, वाइड एंड प्रोफाउंड, जीवन बहुत विस्तृत और बहुत गहरा है। इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री, अ वैस्ट रियल्म, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। विच वी फंक्शन एज ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम कार्य करते हैं मानव जाति के रूप में।
इफ वी प्रिपेयर आवर सेल्व ओनली टू अर्न अ लाइवलीहुड, यदि हम खुद को तैयार करते हैं केवल अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए, वी शैल मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ, तो हम जीवन के संपूर्ण बिंदु को छोड़ देंगे। यदि केवल जीवन के शिक्षा का उद्देश्य आप जीविकोपार्जन चलाना मानते हैं तो आप अपने जीवन के बहुत बड़े भाग को छोड़ देंगे। टू अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझने के लिए, इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन टू गेट अ डिग्री, एक डिग्री लेने की अपेक्षा, आर पास एन एग्जामिनेशन फॉर अ जॉब, या नौकरी के लिए एक परीक्षा पास करना, नौकरी के लिए एक परीक्षा पास करना या एक डिग्री लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन को समझना। लाइफ, जीवन विथ ऑल इट्स सेप्टेलिटिक्स, अपने सभी इन सूक्ष्म चीज़ों के साथ, इट्स सच अ वैस्ट एक्सपेंस, एक बहुत बड़ा खर्च है, इट हैज इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, इसके पास अपने अति असाधारण सुंदर हैं, इट्स सारोच, इसके दुख हैं, इट्स जॉयज, इसके आनंद हैं, दुख है, आनंद है और अपनी सुंदरता है, इट ऑल्सो हैज इट्स हिडन थिंग्स ऑफ द माइंड, और इसके अंदर अपनी छुपी हुई भी चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं, सच है जैसे इन वीच, शत्रुता, एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा, पैशंस, भावनाएं, फियर्स, भय, फुलफिलमेंट्स, जो इच्छाएं पूर्ति हों, एंड एंजाइटीज और चिंताएं हैं, कुछ आंतरिक चीज़ें भी हैं जो हम लोगों के दिमाग में छुपी हैं, प्रेम, नफरत, सुख, दुख, ईर्ष्या, ये सब भी हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। द बर्ड्स, द फ्लावर्स, चिड़िया, फूल, द फ्लॉरिशिंग ट्रीज, और ये समृद्ध पेड़, चमकते पेड़, द हिबेंस, स्वर्ग, स्टार्स, तारे, रिवर्स, नदियाँ, एंड द फिशेस, और मछलियाँ, दे आर इन ऑल दिस इज लाइफ, यहाँ पर भी इन सब में जीवन है। व्हेन वी आर यंग, जब हम नौजवान हों, वी मस्ट सीक, हमें सीख करना चाहिए, सीख मतलब ट्राई टू गेट, तो हमें पाने का प्रयास करना चाहिए, एंड फाइंड आउट, और हमें ढूंढना चाहिए व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, जीवन क्या है इन सब के बारे में, यानी जो कुछ भी जीवन इन सब के बारे में है हमें ये सब ढूंढना चाहिए यदि हम यंग हैं। लेकिन वास्तव में हम सब तो केवल और केवल उलझ के रह गए कि बस एक परीक्षा सीजीएल की निकल जाती और नौकरी मिल जाता, बस एसएससी। दस, वी कल्टीवेट, इस प्रकार हम कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट मतलब उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार हम उत्पन्न करते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य से। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू थिंक फ्रीली, बुद्धिमत्ता है क्षमता टू थिंक फ्रीली, स्वतंत्र रूप से सोचने की, विदाउट फियर, बिना भय के से, विदाउट अ फार्मूला, बिना नियम से, बात समझिएगा, आजकल तो लोग ट्रिक पढ़ते हैं, आजकल तो लोग डरते हैं, आजकल तो लोग स्वतंत्र रूप से सोचते ही नहीं हैं, सब समर्थक हो गए, भक्त हो गए, अंधभक्त हो गए, डरपोक हो गए, कौन निडर बचा है और कौन यहाँ ट्रिक नहीं लगाता, वो तो शॉर्ट ट्रिक से सिलेक्शन पाना चाहता है। तो शिक्षा का मतलब है बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमत्ता का मतलब है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता, बिना भय के और बिना फार्मूला के, सो दैट वी बिगिन टू डिस्कवर फॉर आवर सेल्व, ताकि हम खुद के लिए ढूंढ सकें, खुद के लिए ढूंढ सकें अ फार्मूला, एक फार्मूला, सो दैट वी बिगिन टू डिस्कवर फॉर आवर सेल्व, ताकि हम खुद के लिए ढूंढ सकें व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज ट्रू, क्या सच है और क्या वास्तविक है, रियल एंड ट्रू, क्या क्या वास्तविक है और क्या सच है। Anyone who is gripped with fear, कोई वह जो डर में फंसा है, will never be intelligent, कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, कोई वह जो डर में फंसा है कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। Most of us have fear in one form or another, हम ज़्यादातर हम लोगों में से भय है, यानी ज़्यादातर हम लोगों के पास भय है, भय के रूप में या किसी दूसरे रूप में। Where there is fear, there is no intelligence, वहाँ जहाँ डर है वहाँ बुद्धिमत्ता नहीं है। Thus what education should do, इस प्रकार जो कुछ भी शिक्षा को करना चाहिए, is help us, हमारी मदद करे, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता को समझने में। लेकिन आजकल कौन निडर नहीं है भैया, अगर कुछ बोल दीजिए ना तभी देखिए, फिर गांव से लेकर बलशाली लोगों से लेकर फिर सरकार की संस्थाएं तक बैठी हैं, सीबीआई, ईडी सब छापा मार देंगी। अनलेस वी आर फ्री, जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, वी विल नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग,
तब तक हम जीवन के पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। व्हेन वी आर फ्री, जब हम फ्री होते हैं, वी हैव नो फियर, तो हमारे पास भय नहीं होता। वी डू नॉट इमिटेट, फिर हम नकल नहीं करते, बट वी डिस्कवर, बल्कि हम खोजते हैं। फिर हम इमिटेट नहीं करते, नकल नहीं करते, बल्कि हम डिस्कवर करते हैं। तो ना केवल इससे हमारा, हमारे देशवासियों का, हमने घड़ी खोजा, मार्कर खोजा, माइक खोजा, डिजिटल बोर्ड खोजा, एसी बनाया, ये ट्यूबलाइट बनाया, ये कैमरा बनाया, ये कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, क्या बनाया जो हमारे इस घर में लगा है। तो हमने तो कुछ नहीं बनाया ना, क्या आज बना रहे हैं? आज भी नहीं बना रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं वो पुरानी गौरव, वो पुरानी परंपराएं, वो पुरानी वैभव? ठीक है ना, पैसेज क्या है, शिक्षा के वैल्यू के बारे में बता रहा है। बिल्कुल, असम ऑफ लाइफ, जो एक अमेरिकन लेखक डब्ल्यू एच लॉन्ग फेलो ने लिखा है, जिसमें लाइफ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमंस, मनुष्य पर भय का क्या प्रभाव होता है? तो वह डरपोक हो जाता है, फिर वो स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाता, सोच नहीं पाता तो वो बुद्धिमान नहीं होता। तो ऑप्शन बी बनेगा, वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस, अगर हम डरपोक होंगे तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। द एम ऑफ एजुकेशन टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ, शिक्षा का उद्देश्य है जो हमें एहसास कराए द नीड ऑफ, आवश्यकता, हमें आवश्यकता किस चीज का महसूस करा दे, फ्रीडम। क्योंकि स्वतंत्र होंगे तो हम सोचेंगे, क्रिएटिव होंगे, नकल नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बी। व्हेन वी आर यंग वी शुड, जब हम नौजवान हों तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, तब तो बोलेंगे जब हम जवान होंगे न जाने कहाँ होंगे, ठीक है ना। लता जी का गाना सुन के हमारा युवा तो आजकल बॉलीवुड की नकल कर लिया है, यो यो हनी सिंह आ गए और यही सब गाना सुनता है, मस्त है, एकदम बढ़िया, उसको फर्क कहाँ है, न जाने कहाँ होंगे, जहाँ होंगे ना वहाँ लाठी लेके यमराज खड़े रहेंगे और सामने कोरोना वायरस रहेगा, तुम्हारे मुँह में मुँह डाल के सब कोरोना वायरस मुँह के अंदर डाल देंगे। सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ, स्टडी एंड गेट अ डिग्री, ट्राई फॉर अ गुड जॉब, स्टडी साइंस, तो ये है ना, सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ। एजुकेशन हेल्प्स अस रियलाइज द, शिक्षा मदद करती है हमारी एहसास करने में, वे टू डेवलप आवर कैरियर, नीड फॉर गुड हेल्थ, मीनिंग ऑफ फियर, नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तो 24 का कौन सा, डी। द पैसेज इज अबाउट एजुकेशन, फ्रीडम, लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, ये ए बी सी में से मामला फंसेगा, क्या लगाएंगे। पैसेज ने बात किसकी किया है, शिक्षा है तो फ्रीडम और इंटेलिजेंस है, भाई शिक्षा से फ्रीडम है और फ्रीडम से इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस कब आएगा, फ्रीडम होगा, फ्रीडम कब आएगा, जब शिक्षा होगा, शिक्षा होगा, फ्री रूप से सोचेंगे, तो रूट काज क्या है, एजुकेशन, तो सबका जड़ कौन सा, ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।